लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ राहुल मोर्चले, और आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, इसके हमने प्रीवियस लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था हमने मेमोरी क्या होती है। तो वहां पर हमने देखा था मेमोरी आर टू टाइप्स, हमने देखा था वहां पर मेमोरी क्या होती है और टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो जो हमने देखा था मेमोरी क्या होती है, तो मेमोरी कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर में कोई भी डेटा को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमको कोई चीज़ याद रखने के लिए हमारे हमारे पास हमारा ब्रेन है, ऐसे ही कंप्यूटर को कोई भी चीज़ याद रखने के लिए उसको मेमोरी की आवश्यकता होती है, जो वहाँ पर डेटा या कोई किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर किया जा सकता है। और जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, और ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मेमोरी, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी के भी टाइप्स होते हैं आज हम वो देखने वाले हैं। तो प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है वो देखने वाले हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी जो होती है, अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है पहले आपको ये बता देता हूँ। दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिनपे डेटा अस्थायी टेम्पररी रूप से डेटा स्टोर होता है, वो मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। जब तक उसमें करंट फ्लो होता है या जब तक सिस्टम हमारा चालू रहता है तब तक डेटा उसमें स्टोर रहता है, सेव रहता है। तो जैसे ही उसका फ्लो या डेटा या पावर ऑफ होता है तो वैसे ही वो डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। और प्राइमरी मेमोरी पर जो सिस्टम पर हमारी जितनी भी प्रोसेस होती है वो पूरी प्रोसेस हमारी प्राइमरी मेमोरी पर होती है, ठीक है। तो इसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी रैम, ठीक है, रैम मेमोरी ये, और दूसरी होती है रोम मेमोरी, ठीक है। रैम और रोम दो प्रकार की हमारी मेमोरी होती है। फिर जो रैम का जो फुल फॉर्म है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब जो रैम मेमोरी होती है वो भी फिर तीन टाइप्स की होती है, एक होती है एस रैम और दूसरी होती है डी रैम, और एक होती है, दो ही मेमोरी होती है रैम मेमोरी, एस रैम और डी रैम। तो एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर जो रीड ओनली मेमोरी, उसके नाम से कह रहे रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, तो ये सिर्फ रीड करने के लिए होती है, इसमें इस मेमोरी पर हम राइट नहीं कर सकते, रीड ओनली मेमोरी। और जब भी हम सिस्टम हमारा जब निर्माण होता है तो ये मेमोरी या कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो इस पे लिख स्टोर होते हैं, प्रोग्राम स्टोर होते हैं, और ये प्रोग्राम जो है वो स्टोर रहते हैं, सेव रहते हैं। जब ये प्रोग्राम हमारे डिलीट नहीं होते, सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं, उसका राइट नहीं कर सकते। और ये जो मेमोरी होती है रोम मेमोरी, ये तीन प्रकार की होती है, पी रोम, ई रोम और ई पी रोम, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है पी रोम का, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। तो आइए हम इसको डिस्क्रिप्शन को देखते हैं क्या होता है डिटेल्स में। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। तो पहला हमने देखा था रैम मेमोरी और दूसरा हमने देखा था रोम मेमोरी। अब रैम मेमोरी क्या होता है उसको हम डिटेल्स में देखते हैं। तो रैम मेमोरी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि रैम का फुल फॉर्म आप बताइए या रोम का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ सकता है। तो रैम का जो फुल फॉर्म है या पूरा नाम है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये जो मेमोरी होती है ये टेम्पररी मेमोरी होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था टेम्पररी मेमोरी मतलब अस्थायी मेमोरी होती है। और जब भी हम कोई डेटा कीबोर्ड से या कोई भी इनपुट डिवाइस से हम जब सिस्टम को कोई भी डेटा देते हैं तो वो डेटा सबसे पहले हमारा जाता है किसके पास, प्राइमरी मेमोरी के पास, रैम मेमोरी के पास, ठीक है। और वो डेटा वहां पर जब तक हमारा पावर ऑन रहता है वो रैम में स्टोर किया जाता है, और वो जो डेटा हमारा रैम मेमोरी पर स्टोर होता है वो जो है सीपीयू को आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त करता है, क्योंकि सिर्फ हमारा जो रैम मेमोरी है वो प्रोसेस करेगी और जो एग्जीक्यूशन का काम है वो सीपीयू करेगा, ठीक है। तो रैम पर जो डेटा स्टोर होगा वो अपनी आवश्यकता अनुसार वो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ट्रांसफर होगा, वो रैम से प्राप्त करेगा, और प्रोसेस करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वापस उस डेटा को वो कहाँ भेजेगा, रैम मेमोरी के पास, और रैम मेमोरी उस वापस डेटा को
आउटपुट डिवाइस के पास भेजती है जिससे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, डिस्प्ले प्राप्त होता है। ठीक है, तो रैम में डेटा या जो प्रोग्राम होते हैं वो हमारे टेम्पररी स्टोर होते हैं। जैसे हम कंप्यूटर बंद हो जाता है या पावर कट हो जाता है तो उस वो डेटा जो है वो ऑटोमेटिक हमारा बिजली चले जाने पर जो डेटा स्टोर किया जाता है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, मिट जाता है। इसीलिए हम हमारे सिस्टम में बैकअप लगाते हैं ना, SMPS CPU लगाते हैं। यदि अचानक लाइट चली जाती है तो हम कंप्यूटर में जो डेटा हम वर्क कर रहे हैं उसको हम प्रॉपरली सेव कर लें, देन वो हमारा जो आधे घंटे का हमें बैकअप मिलता है, इसलिए हम UPS लगाते हैं हमारे सिस्टम में बैकअप देने के लिए। ठीक है, तो ये रैम मेमोरी है। अब ये जो रैम मेमोरी है वो वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं आपसे कि जो रैम मेमोरी है वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो रैम मेमोरी है वो हमारे वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब टेम्पररी मेमोरी है। जब तक उसको पावर सप्लाई होगा उस पर डेटा स्टोर होता है, जैसे उस पे से पावर बंद होगा या सिस्टम बंद होगा तो जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम में आपसे पूछते ही हैं ऑब्जेक्टिव में या फिल अप द ब्लैंक्स में कि जो रैम मेमोरी है वो वोलेटाइल मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, और जो रैम मेमोरी होती है वो हमारे साइज के हिसाब से अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से अवेलेबल होती है। ठीक है, जैसे ये अभी सबसे छोटी यूनिट जैसे मेमोरी की इसके पहले लेक्चर में बताया था, तो हमारी जो रैम होती है वो 1 GB की, 2 GB की, 4 GB की, 8 GB की, है ना। तो जितनी बड़ी ज़्यादा रैम होगी उसकी कैपेसिटी उतनी होगी, उसकी सिस्टम के हमारे प्रोसेस करने की जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी। अब जो रैम मेमोरी है वो भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पर तो पहली होती है डायनामिक रैम, DRAM जिसे हम बोलते हैं, दूसरा है सिंक्रोनस रैम और तीसरा है SRAM या इसको बोलते हैं स्टैटिक रैम। तो हम देखते हैं डायनामिक रैम क्या होता है। ठीक है, डायनामिक रैम तो रीड ओनली मेमोरी है, सिर्फ रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो ये जो डायनामिक रैम को हम संक्षिप्त में DRAM कहते हैं। ठीक है, या DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रीड ओनली मेमोरी। और रैम में सबसे अधिक DRAM, सबसे साधारण DRAM है तथा इसे जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। ये 1 सेकंड में बहुत बार रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है यहाँ पर चिप को विद्युत अवरोधी करना होता है। यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होती है, हजार बार रिफ्रेश होता है तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के कारण यह पहले की विषय वस्तु को मिटा देती है, क्योंकि ये मेमोरी 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होती है। क्यों रिफ्रेश होती है? क्योंकि ये जो चिप लगी रहती है उसमें विद्युत अवरोधी करना पड़ता है, इस कारण ये एक बार में जो पहले से विषय वस्तु जो भी हमारा डेटा स्टोर होती है उसको रिफ्रेश कर देती है, मिटा देती है। इसलिए जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कम होती है डायनामिक मेमोरी। अब हम अगला देखते हैं सिंक्रोनस रैम। तो सिंक्रोनस रैम DRAM की अपेक्षा ज्यादा फास्ट होती है, तेज होती है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो तेज होने के कारण यह CPU की घड़ी के गति के अनुसार रिफ्रेश होती है। ठीक है, अब इसका जो रिफ्रेश होने का वो है, ये जो हमारे CPU की क्लॉक होती है उसकी स्पीड के अनुसार ये रिफ्रेश होती है, इसलिए DRAM की अपेक्षा डेटा को तेजी से ट्रांसफर करती है। ठीक है, यह हमें ध्यान रखना है। DRAM की अपेक्षा जो हमारी सिंक्रोनस मेमोरी है वो डेटा को बहुत फास्ट तरीके से ट्रांसफर करती है, इसको CPU को। फिर अगला आता है हमारा SRAM या स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम जैसे ऐसी रैम है जो कम रिफ्रेश होती है, ये हमारी डायनामिक और सिंक्रोनस रैम की अपेक्षा कम रिफ्रेश होती है। और कम रिफ्रेश होने के कारण इसमें डेटा को जो मेमोरी में अधिक समय तक रख सकता है, ये डेटा को अपने पास बहुत अधिक समय तक स्टोर कर सकता है क्योंकि ये कम रिफ्रेश होती है। और DRAM की अपेक्षा SRAM फास्ट और कॉस्टली होती है, मतलब ये तेज और महंगी होती है ना। ये किसकी अपेक्षा? SRAM DRAM की अपेक्षा फास्ट भी होती है और कॉस्टली भी होती है, महंगी भी होती है। ठीक है, अब जो दूसरे प्रकार की जो मेमोरी थी प्राइमरी मेमोरी वो था हमारा रीड ओनली मेमोरी, ROM जिसे हम बोलते हैं। उसके नाम से क्लियर, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ हम उस मेमोरी को
सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है। और जो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, और ये जो मेमोरी होती है वो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है। हमने देखा था रैम जो होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है, और जो रोम होती है वो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय कुछ प्रोग्राम्स जो है वो इसमें स्टोर कर दिए जाते हैं, और इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम्स को हम चेंज नहीं कर सकते और ना ही हम डिलीट कर सकते, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस या कोई भी एडिशंस हम इस प्रोग्राम्स में नहीं कर सकते और ना ही इनको हम डिलीट कर सकते हैं। केवल उन्हें सिर्फ रीड किया जा सकता है, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए इस मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर का स्विच जो हम पावर ऑफ होने के बाद या स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में जो स्टोर डेटा है वो नष्ट नहीं होता, डिलीट नहीं होता है। अतः जो हमारी रोम मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट करने जैसा, अंडरलाइन करने जैसा है कि जो यहाँ पर भी एग्जाम में आता है कि जो रोम मेमोरी है वो वोलेटाइल मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, हमें ध्यान रखना है जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी है और जो रोम मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि इसमें डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है, इसको पावर ऑफ होने के बाद भी इसमें डेटा स्टोर रहता है, और इस डेटा में हम कोई भी करेक्शन या कोई भी चेंज नहीं कर सकते और न कोई इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ये आपको चित्र में दिख रहा होगा हमारे सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड पर ये हमारी रैम मेमोरी लगती है, और ये जो हमारा रीड ओनली मेमोरी है और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये दोनों प्रकार की मेमोरी आपको यहाँ पर फिगर में दिख रही है स्क्रीन पर। अब जो रोम मेमोरी है वो तीन प्रकार की होती है। तो पहला पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर दूसरी मेमोरी होती है ईपी रोम, तो इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जो थर्ड मेमोरी जो रोम मेमोरी है वो ईईपी रोम है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। तो तीन प्रकार की हमारी रोम मेमोरी होती है। तो पी रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो उसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यह है ऐसी मेमोरी है जिसमें एक बार डेटा स्टोर होने के बाद इसे मिटाया नहीं जा सकता है और ना ही चेंज किया जा सकता है। इस मेमोरी को हम बोलते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ इस मेमोरी में एक बार जो डेटा स्टोर होने के बाद इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते और ना ही इसको हम डिलीट कर सकते। अब दूसरी जो रोम मेमोरी है वो होती है ईपी रोम। तो ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और यह पी रोम की तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो स्टोर डेटा होता है या जो प्रोग्राम्स होता है को हम पराबैंगनी किरणों अल्ट्रा वायलेट रेस के द्वारा मिटाया जा सकता है और इसमें हम नया डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने पी रोम में देखा है कि उसमें एक बार डेटा को स्टोर होने के बाद ना तो उसमें कोई चेंज कर सकते हैं और ना ही उसमें कोई मिटा उसको ना ही चेंज कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं, लेकिन पीरोम जो मेमोरी होती है प्रोग्राम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम डेटा को स्टोर हम पीरोम की तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो स्टोर डेटा है उसको हम अल्ट्रा वॉलेट रेस के द्वारा हम उसको इरेज कर सकते हैं और उसमें नए डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर हमारा तीसरा प्रकार का जो रैम मेमोरी है वो ईईपीरोम है। तो इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का फुल फॉर्म होता है, और यह नई टेक्नोलॉजी होती ये नई टेक्निक है, और इसे ईप्रोम भी है, जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम्स को विद्युतीय विधि से मिटाया सकता है। इसमें जो हम इरेज कर सकते हैं डेटा को वो विद्युतीय मेथड से हम इसमें डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो आज हमने देखा टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो मेनली जो प्राइमरी मेमोरी होती है दो प्रकार की, रैम और रोम। रैम जो मेमोरी होती है दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर जो रोम मेमोरी है वो भी तीन प्रकार की देखी है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी ये कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी, जो मेमोरी का सेकेंड टाइप है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है या टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।